सचदेवा मिलेनियम स्कूल में अंत विद्यालय इक्यू विस्ता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के 32 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सचदेवा मिलेनियम स्कूल में अंत विद्यालय इनक्यू विस्ता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के 32 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। प्रतियोगिता दो वर्गों में कराई गई। प्रथम वर्ग में कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्र थे तथा द्वितीय वर्ग में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्र थे। कंटिन्यूसली पिछले कई वर्षों से साइंस क्विज कराता है, जो कि क्लास दो ग्रुप में कराया जाता है। इस साल 32 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये साल दर साल स्कूलों के नंबर बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट पोजीशन होती है, दो राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड एलिमिनेशन राउंड होता है और सेकंड राउंड स्टेज राउंड होता है। और उन राउंड्स के हिसाब से स्कूल्स सारे पार्टिसिपेट करते हैं। पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके हिसाब से एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेटेड होने के बाद हर ग्रुप से चार टीम स्टेज राउंड पर आती हैं और उनमें से विनर्स डिसाइड होता है। तो ये हमारा, हमने एक मेंटल डेवलपमेंट का एक्सरसाइज है ये। आपने देखा होगा कि वहाँ पर मेंटल टीचर हैं। करीब 150 स्टूडेंट्स फ्रॉम 32 स्कूल्स, चार बच्चे एक तरफ के एक ग्रुप के आने के बाद करीब 150 बच्चा पार्टिसिपेट करने आया। और साथ साथ एक स्पेशलिटी ये रहती है कि हम अपने स्कूल को पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एंड ये ईयर टू ईयर और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं हम क्वालिटी। इस साल आपने देखा तो अगले साल मुझे उम्मीद है कि करीब 50 स्कूल आगरा के पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट ईयर 23 स्कूल्स थे, इस बार 32 स्कूल्स हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द 50 स्कूल इन कमिंग ईयर्स। प्रतियोगिता दो चरणों में संपन्न हुई। प्रथम चरण में छात्रों की लिखित परीक्षा हुई, जिसमें दोनों वर्गों से चार चार सर्वश्रेष्ठ टीमें द्वितीय चरण क्विज के लिए चयनित की गयी। इसमें प्रथम वर्ग में माही इंटरनेशनल स्कूल प्रथम स्थान पर रहा, वहीं कर्नल ब्राइट लैंड पब्लिक स्कूल द्वितीय स्थान पर रहा। साथ ही तृतीय स्थान पर गायत्री पब्लिक स्कूल के छात्र छात्रा रहे। द्वितीय वर्ग में सेंट क्लेयर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रथम स्थान पर रहा, वहीं मिल्टन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्रा द्वितीय स्थान पर रहे। आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। साइंस का कॉम्पिटिशन था, साइंस क्विज था और काफी अच्छे क्वेश्चन से जिससे हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिला आगे अपने और कैसे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में और कैसे साइंस में करना है। इस तरीके के क्वेश्चन थे काफ़ी, जैसे कि कई सारे क्वेश्चन से जो हमें नहीं पता थे, जो हमें आज हमें आंसर्स मिले जिनसे हमें उनके बारे में नॉलेज मिला। इस तरह यही नॉलेज थी आज के क्वेश्चन में और कुछ ऐसा था नहीं। आज के क्विज में हमें काफ़ी मज़े आए। वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हियर। हमें काफ़ी नई चीज़ें जानने को मालूम पड़ी। हमें ये भी पता चला कि हम किधर स्टैंड करते हैं, वे वी आर एंड हम किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आई थैंक द स्कूल वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आरपी शर्मा संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर आज एक साइंस क्विज था, सचदेवा ने करवाया था, काफ़ी अच्छा था। टेक्निकली भी अच्छा था, फाउंडेशंस अच्छी थी, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। जैसे केमिस्ट्री में कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जैसे जो हम नॉर्मली जो बुक्स में पढ़ते हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक्स में नहीं होती हैं। अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे उन बातों पर तो आपको मिल जाता है। पर आज ऐसे क्वेश्चन हमें जानने से मिले जिससे हमें मतलब आगे फ्यूचर के लिए हमें पता पड़ गया कि अगर हम इन कॉम्पिटिशन में और लेते हैं तो एक प्रिपरेटरी लेवल का हम आ गया। आज यहाँ पर साइंस क्विज था सचदेवा में और इस क्विज से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि टीम वर्क, पंक्चुअलिटी और कई सारी डीप नॉलेज। और ये बहुत सही होता क्विज, इससे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली हैं नोमेनक्लेचर्स के अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि रिसर्च करके मिलती हैं। विद्यालय के चेयरमैन ने अतिथियों तथा विद्यालय के प्रति आभार व्यक्त कर छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने प्रतियोगिता जीत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो साइंस क्विज है वो कई वर्षों से होता जा रहा है, तो बच्चे बल्कि वेट करते हैं। बाहर के कई स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो कई फैक्टर्स होते हैं, कई चीज़ें वो डेवलप करते हैं। ना सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं बल्कि जब स्टेज पे आते हैं तो आपका जो अवेयरनेस है वो बढ़ती है, उस प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं, स्टेज का जो फियर होता है वो निकलता है और आपस में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है वो उनको लाइफ में भी काम आती है। तो एक पर्टिकुलर क्विज कॉम्पिटिशन से बच्चों में कई चीज़ों में निखार आता है। तो हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है, जीत हार तो चलती रहती है, पर लेकिन जो पार्टिसिपेट करता है वो पार्टिसिपेशन में भी कई चीज़ें डेवलप कर लेता है, जो मुझे लगता है रेगुलर पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और शायद इसी के लिए स्कूल्स की इतनी इंपॉर्टेंस है।
आज का कार्यक्रम जो हमने अपने स्कूल में आयोजित किया वो एक ऑल स्कूल्स इंटर स्कूल साइंस क्विज था पूरे आगरा लेवल का, जिसमें हमने पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया स्कूल्स को और उसमें से 32 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया और काफ़ी सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया। ये हम हर साल कराते हैं, ये हमारा 7th एनुअल इंटर साइंस क्विज था। इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव हम अपने स्कूल का लेके चलते हैं वो ये है कि एक तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बच्चों में बढ़े, जिससे कि क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़े। दूसरा, साइंस जैसे सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े। सो टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस एंड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट विद इन द स्टूडेंट्स, वी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट एवरी ईयर। इस अवसर पर विद्यालय के वाइस चेयरमैन कैप्टन धवल सचदेवा सहित प्रोफेसर वाइस चेयरमैन पुलकित सचदेवा के साथ प्रधानाचार्य गीता बैंजल समस्त शिक्षक उपस्थित रहे। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।